हेलो स्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21st जून ऑफ एवरी ईयर। इससे रिलेटेड हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे और ये भी देखेंगे कि संस्कृत में एक्चुअली योगा किसे कहा जाता है। सो वी विल सी व्हाई न्यूज, व्हाट इज दिस योगा, एक संस्कृत श्लोक देखेंगे जो इसको डिफाइन करेगा, जो ऋषि भर्तृहरि ने लिखा था। देन वी विल सी समथिंग्स अबाउट योगा, देन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल योगा, बेसिकली इट्स ऑफ इट्स नॉट इज, एंड इसमें पतंजलि के योग सूत्र हम देखेंगे। इसके अलावा महाभारत में या भगवद गीता हमें किस प्रकार के योग सिखाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो योग को किस भाग में डिवाइड करती है। देन ऋषि पतंजलि के, अगर आपने अष्टांग योग के बारे में सुना होगा, तो पतंजलि के जो अष्टांग योग थे हम उनके बारे में देखेंगे कि वो अष्टांग योग कौन कौन से थे। तो डिफरेंट टाइप्स की हम चीजें इसमें देखेंगे। देन वी विल डिस्क्राइब द लोगो ऑफ द योगा एज इस साल भी यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन लोगो से रिलेटेड आया था और वो लोगो था G20 का। सो वी विल सी अबाउट दिस लोगो एज वेल। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज, सो हर साल 21 जून जो है ये इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। ये बेसिकली ये सेलिब्रेशन है योगा के स्पिरिचुअल और फिजिकल स्ट्रेंथ का एक ग्लोबल लेवल पे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये चक्रास होते हैं बॉडी में। देयर आर 7 चक्रास इन द बॉडी स्टार्टिंग विद द कुंडलिनी एट द बेस एंड द क्राउन चक्र एट द टॉपेस्ट। सो ये 7 चक्रों में आते हैं। देन मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं ये ऑल ओवर द ग्लोब से पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये जो रिचुअल्स हैं दे हैव बीन यूज्ड बाय मेनी पीपल फ्रॉम मेनी जनरेशंस एज अ वे टू इंटीग्रेट देयर बॉडी माइंड एंड सोल। सो अगर हम देखेंगे तो ऋषि भर्तृहरि ने एक ये श्लोक लिखा था जिसमें एक योगी को डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज अ योगी। सो इट इज धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चरम गेहिनी सत्यम सुनूरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुंबिनः वत् सके कस्मात् भयम् योगिनः। इसका अर्थ है कि एक धैर्य जिसके पिता हो, क्षमा जिसकी माता या जननी हो, एक लंबे रूप जो काल में चलती है वो शांति जिसकी गृहिणी हो या उसकी वाइफ हो, सत्य जिसका मित्र हो, दया जिसकी बहन हो, और उसका संयमित मन ही उसका भ्राता होता है। जो भूमि का तल होता है या जो अर्थ का सरफेस होता है वही उसकी शैया होती है सोने के लिए। ये चारों दिशाएं उसके वस्त्र होते हैं पहनने के लिए। और जो भोजन होता है वो ज्ञान रूपी अमृत ही एक योगी का भोजन होता है। सो जिस व्यक्ति का ऐसा कुटुंब होता है या ऐसी फैमिली होती है जैसी फैमिली इसमें डिफाइन की गई है, ऐसे योगी को किस प्रकार का भय या कस्मात भय योगिनः। सो दिस इज इट। नाउ वील सी अबाउट द योगा। सो इस वर्ड का जो ऑरिजिन होता है, योग का मतलब संस्कृत में जोड़ना होता है, दो चीजों को यूनाइट करना। सो ये बॉडी और सोल दोनों को यूनाइट करता है, उनको योग करता है, इसीलिए इसको योग कहा जाता है। मेन पर्पस जो योगा का है ये माइंड और बॉडी को, जो प्रैक्टिशनर है उसकी माइंड और बॉडी को कनेक्ट करना और दोनों में तालमेल बैठाना होता है। एंड ये कॉम्बिनेशन है सर्टेन एक्सरसाइजेस इसमें होती हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स होंगी, डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं, इसी को प्राणायाम कहा जाता है, और एक्सरसाइज होती हैं। इसके अलावा मुद्रास भी होती हैं इसमें। सो मुद्रास बेसिकली जब आप हायर सीखेंगे देन वहां मुद्रास आती हैं। आफ्टर दैट योगी प्रैक्टिस बेसिकली इट लीड्स टू द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देता है, जिसको ब्रह्म भी एक्चुअली कहा जाता है कई बार। एंड ये हार्मनी लेके आता है बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी, बिटवीन द मैन एंड द नेचर एज वेल। अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये एंड्योरेंस प्रमोट करती है, स्ट्रेंथ देती है, कामलेस लाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल पीस लाएगी, कंप्लीट वेलबींग लाएगी, नेचर के साथ आपकी हार्मनी होगी। कई बार आप टाइम ऐसे ही बता देते हैं बिना देख। सो देयर आर मेनी थिंग्स, इसमें हायर पर्सपेक्टिव में जाएंगे, सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो इट इज प्रैक्टिस्ड यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आसनास, मेडिटेशन टेक्निक्स आर देयर इन इट। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये 8 पॉपुलर टाइप्स के योगा को इंक्लूड करता है, जिसमें जप योग आता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, स्वर योग, कुंडलिनी योग और नाड़ी योग इसमें आते हैं।
हिस्ट्री अगर हम देखेंगे सो एंशंट आर्ट ऑफ योगा जो है इट हैज अ कनेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ द योगा डे। ये एक टाइप का एक्सरसाइज और मेडिटेटिव एक्ट है जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ इन सबको प्रमोट करता है। सिंस 3000 BC योगा को भारत के क्षेत्र में प्रैक्टिस किया जा रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले करता है। ऋग्वेद और बाकी उपनिषद में भी इसके ट्रेसेस आपको मिलते हैं। अर्लीस्ट टाइप के जो योगा है उसमें फिजिकल एक्टिविटी कंबाइंड है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, फिटनेस, भक्ति वक्ति भी इसमें कंबाइंड रहता है। अगर हम देखेंगे रिलीजन की बात करें तो जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हिंदुज्म में, इन सारे रिलीजन्स में, मैक्सिमम रिलीजन्स में भी आपको इनका रेफरेंस मिलता है। सो योगा बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ था, जीवन जीने का तरीका था। बाय द पतंजलि योग सूत्र इन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था। जिस अष्टांग मार्ग में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में लगती है समाधि। सो इट इज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज द अष्टांग मार्ग गिवन बाय द पतंजलि एंड यही अष्टांग मार्ग, यही योग सूत्र हैं जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने पढ़ा था और अपनी लाइफ में लागू किया था। उसके बाद वो इन्हीं मेडिटेटिव टेक्निक्स के चलते काफी ज्यादा उनमें चीजों का चेंज हुआ। एंड थ्री वेराइटीज ऑफ योगा बेसिकली महाभारत या गीता टेक्स्ट में ये तीन दिए जाते हैं, तीन टाइप के योगा। श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं, भक्ति योग आता है और फिर ज्ञान योग आता है। एंड इसके अलावा अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी स्टार्टिंग में जिसका हमने लोगो रखा था, दैट वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। सो उसमें योगी प्रैक्टिस करने वाले ऐसे कई लोगों को दिखाया है जिनमें नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रेंथ या और बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं। सो इट्स अ बुक, यू कैन गो थ्रू इट सम डे, नॉट नाउ। नाउ इंटरनेशनल योगा डे की अगर हम लोगों की बात करें सो ये जो ज्वाइनिंग हैंड्स हैं इसके, ये यूनियन दिखाते हैं लोगों के बीच का, या फिर माइंड और बॉडी के बीच का भी यूनियन इसको कहा जा सकता है। ये जो ऑरेंज कलर का आप हेलो देख रहे हैं ये बेसिकली अग्नि या फायर का एलिमेंट है। ये जो आप देख रहे हैं येलो, ये सन का बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है। देन दिस ग्लोब इज फॉर द ग्लोबल वननेस, एक ग्लोबल विलेज की तरह, वसुधैव कुटुंबकम जिसे कहा जाता है। ग्रीन लीव्स जो है वो नेचर को दिखाती हैं, ब्राउन लीव्स अर्थ के एलिमेंट को दिखाते हैं, और जो ब्लू है ये बेसिकली वाटर को दिखाता है। सो दिस इज अबाउट द योगा लोगो। नाउ इंटरनेशनल योगा डे इनिशियली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको प्रपोज किया था और ये सितंबर 27, 2014 में इसको प्रपोज किया गया था ड्यूरिंग हिज स्पीच एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब सवाल ये कि हम 21 जून को ही इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका काफी ज्यादा बड़ा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। सो 21 जून को समर सोलस्टिक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है। सो ये सबसे लंबा दिन होता है, दैट इज वाई ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी दिखाता है। सो इसीलिए हमने इसको चूज किया है। इसके अलावा अगर आप यहां जाएंगे सो दिस यू शुड नो, सो दिस इज ऑन द 21 जून। देन सितंबर में आपका ऑटम इक्विनॉक्स आता है जो कि अराउंड 22 to 23 मैक्सिमम ये होता है। देन विंटर सोलिस्टिक अगर आपको याद हो तो ये भी 22 to 23 ये दिसंबर में आएगा। एंड इसके बाद दोबारा से दिस इज द वर्नल इक्विनॉक्स, ये आपका 21 या 22 मार्च के अराउंड आता है। सो यू शुड नो अबाउट दिस। नाउ लेट्स वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ विच टेक्स्ट? अष्टावक्र संहिता, भगवद्गीता, हठ योग, प्रदीपिका, वेदास। सो हठ योग, सो देर आर मेनी थिंग्स। नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो योगा इज बींग मेड इन टू अ कमोडिटी फॉर सेल, कमेंट ऑन इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशन, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर बेटर प्रिपरेशन। Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 years से ethics, essay paper and polity के लिए students को guide करता रहा हूँ। तो इस बार एक ऐसी test series जो उन लोगों के साथ में design हुई है जो वास्तव में evaluator की तरह commissions में काम किए हैं, उनके base पे marks मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50, तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं
एक या दो दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।